मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश का जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा किया जाता है तो वह बार बार बिजली महादेव रोपवे की बात करते थे, लेकिन अब जब कांग्रेस सरकार उस रोपवे के कार्य को पूरा करने जा रही है तो कुछ लोग देवनीति की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए करहाल घाटी की बंदर पंचायत के प्रधान गोपाल सिंह ने बताया है कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी इसी रोपवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन आज कांग्रेस सरकार के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जा रहा है तो भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि इस रोपवे के बनने से करहल घाटी के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसमें राजनीति की जा रही है, ये जब ये बुखला गए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी के काम करने की क्षमता को देखकर इनको अब मुश्किल हो गया सेंटर को जवाब देना कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये सेंटर को क्या जवाब देंगे कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए उस काम को CPS सुंदर सिंह ठाकुर जी कुछ महीनों में भी कर रहे हैं, तो ये बुखलाए हुए हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आपका रोजगार छीना जाएगा, इससे पर्यावरण दूषित होगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो है देवनीति को बीच में ला रहे हैं, जबकि विकास में देवनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं मानता हूँ शायद खराल में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और कुल्लू में ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने है पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, इसका विरोध कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है और लोगों को किस तरह से ये भड़का रहे हैं तो ये गलत बात है। लोगों को यहाँ पर रोपवे लगने से रोजगार मिलेगा, यहाँ पर्यटन जो है वो बढ़ेंगे, पर्यटक ज़्यादा आएंगे। और जो ये देवनीति की बात करते हैं, देव स्थल जो है बिजली महादेव में उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो सरोवर की बात करते हैं, सरोवर से उचित दूरी पर बनेगा ये प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थान जिस स्थान पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है वो स्थान स्वयं कारदार ने चिन्हित किया है और मंदिर कमेटी ने चिन्हित किया है। आज ये विरोध किस लिए कर रहे हैं? अगर आपको जनरल हाउस बुलाना था तो जब रोपवे के लिए आपने स्थान चिन्हित किया उससे पहले आपको जनरल हाउस बुलाना चाहिए था। अब स्थान भी आप चिन्हित कर रहे हैं, आप रोपवे को परमिशन भी खुद दे रहे हैं और विरोध भी खुद कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और इस रोपवे के खिलाफ जो लोग हैं उनको हम बताएंगे कि रोपवे के क्या फायदे हैं और रोपवे किस लगने से आप लोगों को किस तरह का रोजगार मिलेगा, क्या गतिविधियां यहाँ होगी, हमारा इलाका कैसे खुशहाल होगा, ये गर्व की बात है।